बिलासपुर के कोटीपुरा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में जनवरी 2020 से ओपीडी शुरू कर दी जाएगी। इसी के साथ 100 सीटों की स्वीकृति वाले मेडिकल कॉलेज में 50 सीटों का बैच भी बिठा दिया जाएगा। इस बात पर रिक्रूटमेंट को लेकर प्रक्रिया चल रही है और दिसंबर माह के अंत तक नियुक्तियां भी हो जाएंगी। इस समय ओपीडी ब्लॉक का निर्माण कार्य द्रुत गति से जारी है और शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। तो वहीं पीजी हाउस और प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। खास बात ये है कि जून 2021 में ही एम्स तैयार कर हिमाचल की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ कोटीपुरा में निर्माणाधीन एम्स का निरीक्षण करने के बाद परिधि गृह में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ किए गए निरीक्षण में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से आए अधिकारियों की मौजूदगी में निर्माता कंपनी एनपीसीसी प्रबंधन से क्वालिटी और प्रगति पर एक प्रेजेंटेशन ली गई है। क्वालिटी व प्रगति संतोषजनक पाई गई है। इन दोनों ही विषयों पर मोस्ट मॉडर्न टेक्निक से काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि ओपीडी ब्लॉक लगभग बनकर तैयार है, जबकि पीजी हाउस में फर्निशिंग का कार्य चल रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का कार्य भी प्रगति पर है। ऐसे में पूर्ण आशा है कि ये कार्य जून 2021 तक पूर्ण हो जाएगा, जबकि कैबिनेट मंजूरी के तहत 2022 तक एम्स तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। जेपी नड्डा के अनुसार एम्स की ओपीडी नए साल में जनवरी माह से शुरू कर दी जाएगी और हिमाचल की जनता को स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। इसके लिए नियुक्तियों को लेकर प्रक्रिया जारी है और ये कार्य दिसंबर माह तक हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का 94वां स्थापना दिवस एवं विजय दशमी के अवसर पर होने वाला शस्त्र पूजन कार्यक्रम ज्वालामुखी में संपन्न हुआ, जिसमें विभाग संचालक अशोक शर्मा, जिला संचालक रंजीत चौहान, प्रांत शारीरिक प्रमुख मनोज कुमार उपस्थित रहे। इन्होंने इस अवसर पर पूरे शहर की परिक्रमा भी ली। मनोज कुमार ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए संघ की वर्तमान समाज में भूमिका का वर्णन किया और कहा कि स्वयंसेवक देशभक्ति के वातावरण में तैयार होकर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं और समाज का भला करने की सामूहिक सोच रखते हैं। इस अवसर पर जिला के प्रत्येक स्थान के स्वयंसेवक उपस्थित रहे और पथ संचलन के रूप में पूरे ज्वालामुखी नगर का भ्रमण गणवेश सहित किया। मंडी स्थित विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 50 एनएसएस स्वयंसेवियों ने भाग लिया। शिविर के समापन अवसर पर मंडी नगर परिषद की अध्यक्षा सुमन ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने शिविर के दौरान अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले सभी एनएसएस स्वयंसेवियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में नगर परिषद अध्यक्षा सुमन ठाकुर ने कहा कि एनएसएस के माध्यम से स्वयंसेवियों में निस्वार्थ भाव से देश सेवा की भावना का सृजन होता है और वे देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उन्होंने स्वयंसेवियों से आह्वान किया कि वे शिविर से जुड़े अपने अनुभवों को अपने व्यवहारिक जीवन में अमल में लाएं। इस अवसर पर स्कूल प्रधानाचार्य परसम राम सैनी, स्थानीय वार्ड नंबर 4 की पार्षद नेहा और एसएमसी के प्रधान विशेष रूप से मौजूद रही। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक जाखू मंदिर में दशहरा 45 फुट के रावण सहित मेघनाथ और कुंभकर्ण के 40-40 फुट के पुतलों का दहन किया गया। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रिमोट का बटन दबाकर रावण का दहन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। प्रदेश में युवाओं में नशा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिस पर सभी लोगों को इकट्ठा होकर काम करने की जरूरत है, ताकि प्रदेश में बढ़ रही इस बुराई का भी अंत हो सके। मुख्यमंत्री ने दिवाली पर लोगों से कम पटाखे फोड़ने की भी अपील की, जिससे प्रदूषण में कमी हो सके। रावण का दहन बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्सव में
भारी संख्या में लोगों ने पुतले को जलता देखने के लिए जुटे थे। रावण के पुतले को आग लगते ही पटाखों के फूटने और आतिशबाजियों के चलने का दौर जमकर चला।